हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 013 एडिट्स। तो गाइस, आज की वीडियो का आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि अपना जो एडिटिंग है वो एक शैडो से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस तरीके का डार्क शैडो फोटो एडिटिंग किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि यार ये जो फोटो है ना वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और हर किसी को पसंद होता है कि भाई इस तरह की फोटो एडिटिंग एक बार मैं भी ट्राई करूँ। तो आज की वीडियो में मैंने यही बताया कि आप लोग कैसे इसको कंप्लीट कर पाओगे, और पूरा देख लेते हो ना तो रियली में गाइस आप लोग काफ़ी ईजिली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इस वीडियो के ना मैंने बीच में या फिर एंड में एक प्रो टिप्स भी दिया, अगर आप लोगों को ना एडिटिंग की काफी अच्छी खासी नॉलेज है या फिर आप लोग एक प्रो एडिटर हो तो आप लोग वो ट्रिक देखते ही बता दोगे कि कौन सा है, तो आप लोगों को पता चल जाता है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बता देना। तो गाइस, अब ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे स्टार्ट। हे गाइस, आप लोगों ने पिक्सआर्ट ऐप में आना है और आने के बाद एक वाइट पेज को ओपन कर देना, और ये जो वाइट पेज है ना इसका रेशियो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं है, क्योंकि यार एक रेशियो सिलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है जब हम लोग इंस्टाग्राम पे इस फोटो को डालेंगे तो वो क्रॉप ना हो, तो इसीलिए पोर्ट्रेट रेशियो सिलेक्ट किया जाता है, तो आप लोग कर देना। अब यार लोग यही कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, बिना रेशियो सिलेक्ट किए ही फोटो को अपलोड कर देते हैं तो क्रॉप हो जाती है, तो भाई पूछते रहते कि हमारी फ़ोटो क्यों क्रॉप हो गई। तो गाइस, आप लोग मत करना, जो मैंने रेशियो बताया ना पोर्ट्रेट वही रेशियो आप लोग सिलेक्ट कर देना तो आपकी फ़ोटो क्रॉप नहीं होगी। इतना वर्क करने के बाद ना गाइज आप लोगों ने यहाँ से गैलरी के अंदर आना है, और आने के बाद इस वीडियो में मैं जितना भी स्टॉक का यूज़ कर रहा हूँ ना सबका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई नो आपको पता है, तो जाके डाउनलोड कर लेना। अभी हम लोग ये जो स्काई वाला बैकग्राउंड है इसको लेकर आएंगे, और लाने के बाद सबसे पहले इसको क्रॉप करना है। तो गाइज इस तरीके से हम लोग इसको क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करने के बाद इसको टॉप पर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ से इसको बड़ा इस तरीके से, और आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है, और इसका गाइज हम लोगों को डुप्लीकेट करना है। तो आप लोगों को एक एरो दिखेगा, लेयर दिखेगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक कर देना, फिर एक आप लोगों को डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा ना, इसके ऊपर क्लिक करके फ्लिप कर देना इस चीज़ को, तो यहाँ से रोटेट हो जाएगा और आप लोगों ने यहाँ से फिल कर देना है, तो आपका जो वाइट कलर का पेज था ना वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक डार्क ग्रास वाला पीएनजी दूंगा, ये वाला, तो इसको आप लोगों ने लेकर आना है, और लाने के बाद ऐड कर देना। इसको क्या करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से बड़ा करके ना गाइज अपने यहाँ पे एडजस्ट करना है, जहाँ पे भी आप लोगों ने दूसरा वाला जो पीएनजी ऐड किया था ना उसके पास एडजस्ट कर देना। तो सेम अभी हम लोग इस तरीके से करते हैं, और इसका भी डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद चलेंगे फ्लिप पे और सेम इसको यहाँ से लगा देंगे इस तरीके से, तो एक रिफ्लेक्शन का और शेडो वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अभी देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने मॉडल को लेकर आना है, और लाने के बाद उसका कटआउट निकाल लेना, जहाँ से भी आप लोग निकालना चाहते हो, चाहे पिक्सआर्ट से या फिर जहाँ पे से भी आप निकालते हो ना, निकाल लेना, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल है गाइस, इसको मैं लेकर आ चुका हूँ, तो इसको भी हम लोगों को ब्लैक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से चलेंगे ऊपर, तो एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और फिर आप लोगों ने कलर के ऊपर क्लिक करके एक ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो अमाउंट है ना इसको आप लोगों ने एकदम माइनस कर देना है जीरो, और फिर यहाँ से आप लोगों ने राइट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फोटो रहेगा वो इस तरीके से हो जाएगा। सेम आप लोग इस तरीके से बड़ा करना, और बड़ा करने के बाद अपने बैकग्राउंड पे एडजस्ट कर देना। फिर आप लोगों को ना एक मूव डाउन का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको मूव डाउन कर देना, ये अपने ग्रास के पीछे चला जाएगा, ओके। और इसको थोड़ा सा अभी हम लोग और बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और इसका भी करना है आप लोगों ने डुप्लीकेट, और फ्लिप पे चल के इसको कर देना है इस तरीके से, और इसको भी इस तरीके से लगा देना ताकि शेडो वाला इफेक्ट यहाँ पे आ जाए, ओके। इतना वर्क करने के बाद गाइज अभी मैं आप लोगों को एक गर्ल की पीएनजी भी दूंगा, जो कि सेम अपने मॉडल जैसी ब्लैक होगी, तो आप लोगों ने इसको भी लेकर आना है, और लाने के बाद यहाँ से क्या करना है सेम बड़ा करना है, ओके। और इसको करेंगे यहाँ से थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, और इसका भी करना है आप लोगों ने इसी तरीके से रोटेट, और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे लगा देना, ओके। देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा हो चुका है, और फिर राइट पे क्लिक कर देना ताकि आपकी जो पीएनजी है ना वो हिले ना। आई होप गाइस आपको इतना वर्क समझ में आ गया होगा, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है गैलरी के अंदर आना है, और आने के बाद मैं अभी आपको एक रेनबो की पीएनजी दूंगा, ठीक है। तो ये रही रेनबो वाली पीएनजी, और एक वाटर रिफ्लेक्शन की पीएनजी दूंगा, इसको भी आप लोगों ने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या करना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी जो रेनबो वाली पीएनजी है उसको लगाएंगे, तो इसको लगा देते हैं, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो रिफ्लेक्शन वाला पीएनजी है इसको इस तरीके से बड़ा करके लगाना है, बट ये जो पीएनजी है ना वो मैच नहीं कर रहा है, काफ़ी भद्दा लग रहा है, तो इसको मैच करवाएंगे। आप लोग इसके ऊपर टैप कर देना, और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एक ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो अभी देख सकते हो हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है, और फोटो में काफ़ी अच्छी खासी जान आ चुकी है।
तो गाइस सेम आप लोगों ने भी इसी तरीके से इफेक्ट को अप्लाई करना है। और उसके बाद मैं अभी आप लोगों को एक रेन वाली पेन जी दूंगा, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, चाहे हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे भी हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं कर दूंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लगाएंगे और लगाने के बाद सेम चलना है ब्लेंड पे और इसको स्क्रीन कर देना है। तो हमारी जो पीएनजी है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगी और राइट पे क्लिक कर देना है। फाइनली गाइस अपना जो पिक्सआर्ट का वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो फोटो है वो सेव हो जाएगी। बट गाइस रुको, अभी जो कलर ग्रेडिंग का वर्क है ना वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पे दो तीन फोटो देख सकते हो जिसका कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है। तो इस फोटो में ना आप लोग क्या करना, यहाँ पर सेव कर लेना और हम लोग कलर ग्रेडिंग के लिए लेके चलते हैं इसको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। वहाँ पर मैं आपको प्रीसेट दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कलर ग्रेडिंग किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अभी हम लोग अपने लाइटरूम ऐप पे आ चुके हैं और आने के बाद यहाँ से हम लोग अपनी प्रीसेट वाली फ़ोटो को लेकर आएंगे। तो गाइस इसके ऊपर अभी हम लोग टैप करते हैं और ये जो कलर ग्रेडिंग है ना इसका मैंने पहले से कंप्लीट कर लिया है, तो इसको मैं जस्ट कॉपी और पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा जब आप लोग प्रीसेट को ओपन करोगे लाइटरूम ऐप में। फिर आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे दो टूल आपको खाली मिलेंगे, एक ज्योमेट्री वाला और एक टूल का ऑप्शन होगा वो भी खाली मिलेगा। तो दोनों को आप लोगों ने फिल कर देना है। उसके बाद आप लोग सिंपल फ़ोटो को लेकर आना जो पिक्सआर्ट में सेव किया था। तो देख सकते हो ये मेरा सिंपल फ़ोटो है। उसके बाद गाइज हम लोग जो प्रीसेट वाला वर्क है ना वो अप्लाई करेंगे। तो सेम हम लोग थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इस बार कॉपी सेटिंग की जगह पेस्ट सेटिंग करेंगे। तो हमारा जो कलर ग्रेडिंग है ना वो गाइज अपलोड हो चुका है और आप लोग इसका बिफोर फोटो भी देख सकते हो और आफ्टर फोटो भी देख सकते हो। बट गाइज मेरे को यहाँ पर तीन कलर काफ़ी अच्छे लगे जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे ना वो आप लोग रख सकते हो। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे थर्मामीटर के टूल पे, फिर मिक्स टूल के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने सेकेंडरी कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। और तीन जो कलर है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। सबसे पहले आप लोग ह्यू को चेंज करोगे 16 या 17 तो कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद माइनस करोगे 100 तो यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा। गाइस जो भी आपको अच्छा लगे ना वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा तो मैं यही रखूँगा, ओके। और फिर हम लोग यहाँ से डन पे क्लिक कर लेंगे और जो अपना प्रीसेट और एडिटिंग का वर्क था ना गाइस वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सच में रियली में गाइस फोटो काफ़ी ज़्यादा ओपी टाइप की लग रही है और आप लोग काफ़ी इजीली इस तरह की एडिटिंग कंप्लीट कर लोगे। तो अभी हम लोग शेयर के ऊपर चलेंगे और सेव टू डिवाइस कर लेंगे, हमारी फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दो। और ऐसी वीडियोज़ रील से रिलेटेड, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना।